खबर मध्य प्रदेश के सीधी के सिहाबल जनपद क्षेत्र के सिहोलिया ग्राम पंचायत की है, जहां एक गौशाला में 3 महीने के अंदर 61 गायों की मौत का मामला सामने आया है। गौशाला में काम कर रही महिला स्वयं सहायता समूह ने गायों की मौत का राज खोला। इस गौशाला में आवारा मवेशी रखे जाते हैं। इनके रखरखाव की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत और एक महिला स्वयं सहायता समूह को सौंपी गई। यहां 100 से अधिक मवेशी रजिस्टर्ड कर गौशाला में रखे गए थे, लेकिन पिछले 3 महीने के अंदर अब तक करीब 61 गायों की मौत हो गई। लेकिन स्थानीय प्रशासन को मामले की भनक तक नहीं लगी। बताया जा रहा है कि ये सारी मौतें प्रशासनिक बद इंतजामी की वजह से हुई है। यहां काम कर रहे महिला समूह को भी 10 महीने से भुगतान नहीं मिला। महिला समूह ने मामले की शिकायत कलेक्टर और जिला पंचायत सीईओ से की। गौशाला में गायों की मौत की शिकायत सुन अधिकारी भी हैरान रह गए और आनन फानन की जांच और दोषियों पर कार्यवाही का भरोसा दिया। बताया गया कि समय पर मवेशियों को चारा भूसा न मिलने की से भूख की वजह से 61 गायों की मौत हो गई। पंचायत से सामग्रियों की मांग की जाती रही, लेकिन समय पर सामग्रियां नहीं मिली और न ही 10 महीने से गौशाला में काम कर रहे समूह को भुगतान किया गया। आरोप है कि महिला समूह का पैसा पंचायत कर्मी रोके हुए हैं। जिला पंचायत सीईओ स्वीकार कर रहे हैं कि गौशाला में गायों की मौत और भुगतान न होने की शिकायत मिली है। भूखो पेट ये 61 गायों की मौत हो गई। सीधी जिले के सिहाबल जनपद क्षेत्र के सिहोलिया ग्राम पंचायत का यह मामला उजागर हुआ है।